भी भगवान राम का कोई नया मंदिर मत मान के चलिए। अच्छा, ये जीर्णोद्धार है, मंदिर वहाँ हमेशा से था, अनंत काल से मंदिर था, तो एक तरह से ये नया मंदिर नहीं है, मंदिर का ही जीर्णोद्धार किया गया है। और जीर्णोद्धार में कभी कभी पूरा का पूरा बदल जाता है। लेकिन इस आपके इस जवाब से, इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है, जो कुछ लोग आपत्ति कर रहे थे कि अभी अधूरा मंदिर है इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, तो आप जो बात कह रहे हैं कि ये तो मंदिर हमेशा से रहा है। और स्थान का महत्व अधिक होता है कि जो स्थान है वहां पर, जहां पर कि रामलला का जन्म माना जाता है। रामलला जब तंबू में थे तब भी पूजा होती रही, 1992 से लेके कुछ समय पहले तक, आज तक तंबू में ही थे तो पूजा तो नहीं रुकी। और ये भी आप जान लीजिए कि भगवान का प्रथम तल भगवान का है, प्रथम तल बन चुका है पूरा, द्वितीय तल में राम दरबार है और तृतीय तल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए है। जब 1951 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर का भी पहला तल बना था, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जाके वहाँ वो किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी, कलश शिखर का अंतिम चीज वो रखी गई थी 1967 में किसी महीने में, तो 16 साल तक बनता रहा, चलता रहा वहाँ पर, काम चलता रहा, मंदिर के तमाम और अंग बनते रहे, लेकिन भगवान की पूजा शुरू हो गई थी 1951। बार बार देखिए टीवी स्क्रीन पर रामलला की जो मूर्ति वो आ रही है और अलौकिक दृश्य देखने को आ रहा है। अपने आप में इतनी भव्य एक ऐसी मूर्ति बनाई है, वाकई दाद देनी होगी अरुण योगी राज को कि कितनी सुंदर उन्होंने मूर्ति बनाई है। इसकी कुछ खासियत भी है जो हम दर्शकों को बता दें कि ये एक ही पत्थर से बनाई गई है और इसमें ये भी कहा गया है कि जो पानी अगर आप इस पर चढ़ाएंगे तो उसका कोई असर इस पर नहीं होगा, उससे ये इसके जो कोई नुकसान इसको नहीं होगा, और साथ ही जो रोली कुमकुम बाकी अक्षय चढ़ाएंगे उससे भी कोई परेशानी इसको नहीं आएगी। ये भी कहा गया कि कम से कम 1000 साल तक ये जो प्रतिमा है ये बनी रहेगी। देखिए सबसे बड़ी बात मूर्ति में जानते हैं, भव्यता है, सौम्यता है, एक शब्द होता है हिंदी में सुरम्य, वो सुरम्यता इसमें देखने को मिलती है, इनोसेंस कहीं भी इस मूर्ति के चेहरे पे, कहीं भी सांसारिक भाव नहीं आता, एकदम बिल्कुल सौम्य स्वभाव, निश्चल भाव से। जो फोटो पर एक हल्की सी शरारत वाली मुस्कान है वो भी 5 वर्ष के बच्चे में ही आपको देखने को मिलती है, वहीं मिलेगी, बाकी के बाद तो फिर चाहत के हिसाब से मुस्कान हो जाती है, न कि एक नैसर्गिक दृष्टि। और साथ में धनुष बाण भी उनके हाथ में थमाया गया है, यानी ये संदेश भी देने का प्रयास है कि बचपन से ही उनकी जो शस्त्र विद्या है उसका उनको संस्कार देना शुरू कर दिया गया। वो तो शस्त्र विद्या ही नहीं, भगवान जब भगवान और चारों भाई वो आखेट खेलने नहीं भेजे गए, पहले सबसे पहले वो आश्रम भेजे गए शिक्षा के लिए, और शिक्षा उस समय सिर्फ शास्त्रों की ही नहीं होती थी, शस्त्रों की शिक्षा भी जरूरी थी। इसीलिए आप महाभारत में भी देखते हैं कि शास्त्र के अलावा शस्त्र शिक्षा भी साथ साथ चलती है, तो भगवान राम शास्त्र तो लेकर चलते ही हैं, उनका पूरा जीवन शास्त्रों का एग्जाम्पल है। आज की भाषा में कहें रूल ऑफ लॉ, शास्त्र का मतलब रूल ऑफ लॉ, उसी हिसाब से पूरी जिंदगी जी। हर आदमी चाहता है कि भगवान राम की तरह मेरा बेटा हो, भगवान राम की तरह मेरा भाई हो, भगवान राम की तरह मेरा पति हो, भगवान राम की तरह मेरा दोस्त हो, हर आदमी चाहता है। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा के अंतिम छोर तक पहुंचने वाले व्यक्ति कहीं कुछ छोड़ा नहीं, इसीलिए हर आदमी कहता है राम हर चीज के मर्यादा के अंतिम शब्द हैं, राम के बियॉन्ड फिर मर्यादा के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन राम मखनलाल जी, राम जो हैं वो एक ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं, प्रभु हैं कि लोग उनके पास कुछ मांगने नहीं जाते, जैसे हम बाकी मंदिरों में जाते हैं कोई मन्नत मांगता है कि मेरा साथ ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन यहाँ पर तो आप जीवन के आदर्शों को सीखने के लिए प्रभु राम की शरण में जाते हैं। जीवन के यही एक बहुत बड़ा अंतर है, जो आज बार बार सवाल पूछा जाता है कि राम में ऐसा क्या है जो दक्षिण से उत्तर तक और पश्चिम से पूर्व तक पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है, तो मुझे लगता है यही उनकी जो जीवन का पाठ है, उनका जीवन का ही एक सबक है, जो मर्यादा उन्होंने स्थापित की इसी कारण सब लोग उनके पास जाते हैं। सारी चीज आपने बहुत सही किया, भगवान राम के मंदिर में कोई कुछ मांगने नहीं जाता, पूरे जीवन में मुझे नहीं याद आता कि उन्होंने कोई चमत्कारिक काम किया। सारी उन्होंने साधारण मनुष्य के
रूप में जिया और उच्चतम आदर्शों को लेकर जिया। और वही सारी कमजोरियां और वही सारी शक्तियां जो मनुष्य में होती हैं, वही उनके जीवन में भी प्रतिबिंबित होती है, और उन्हीं कमजोरियों को वो ओवरकम करते हैं, उन्हीं कमजोरियों के ऊपर जाते हैं, इसीलिए मर्यादा को कायम रख पाते हैं। कमजोरियां सब में होती हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि भगवान ने बहुत मुश्किल समय में भी धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़ा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, चित्रकूट में पूरा अयोध्या आ रहा है, भरत आ रहे हैं, कैकेयी भी आ रही हैं, कि हम अपने सारे शब्दों को वापस लेते हैं, आप वापस चलिए, लेकिन उन्हें एक मर्यादा स्थापित करनी थी, एक बात रखनी थी कि पिता थे, माँ थे, एक बात निर्णय ले लिया गया है, लिहाजा हमें पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरी मर्यादा को भी देखिए, भरत वापस खड़ा हूँ लेके आते हैं, अयोध्या नहीं जाते, वो कहते हैं कि अयोध्या तो भगवान राम की राजधानी है, उनके साम्राज्य की राजधानी है, मैं वहाँ कैसे बैठूंगा। अयोध्या से 16-17 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है, उन्होंने पूरे वनवास के दौरान नंदीग्राम में खड़ाऊ रखकर शासन किया नहीं, चलाया, भगवान राम के नाम पे, उनके ब्याह पे चलाया। तो वहाँ भी भगवान राम के जहाँ भी जो भी अंश थे, जहाँ भी चीज़ें थी, भगवान राम का जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट था, मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया और शत्रु का सम्मान। हाँ? जब रावण गिरे तो उसके बाद राम लक्ष्मण को भेजा कि जाइए और इनके इनसे कुछ सीखिए। हाँ, क्योंकि वो कई तरह के प्रकांड पंडित, कई विद्वान और उस तरह से उन्होंने ज्ञान अर्जित था, तो उनसे कुछ सीख करके आइए, सीख के आइए। और मृत्यु हो चुकी है रावण की, भगवान राम बहुत दुखी मन से शिला पर बैठे हैं, पीछे से देखा कि एक परछाई आ रही है, उन्हें लगा कोई स्त्री है, तो वो उठ के खड़े होते हैं, तुरंत हट जाते हैं कि वो जो छाया पड़ रही वो उनके शरीर पैरों पे न पड़े, शरीर पे न पड़े, हट जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि स्त्री है, हाथ जोड़ के कहते हैं, माँ आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मैं इस भागे रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। कहा क्या कर सकता हूँ? मंदोदरी कहती है कि मैं देखने आई हूँ उस व्यक्ति को जिसने रावण को मारा, उस रावण को जिसने विश्व के सभी राजाओं को हरा दिया, यहाँ तक कि इंद्र को भी, इसीलिए उसके बेटे का नाम इंद्रजीत पड़ा, इंद्र को भी हरा दिया, भगवान इंद्र को, उसको मारने वाला कौन है ये? भगवान राम हाथ जोड़ लेते हैं, मंदोदरी कहते हैं मुझे पता चल गया, इसका प्रश्न का जवाब मिल गया। भगवान ने कहा क्या? कहा एक आप हैं कि पर स्त्री की छाया मात्र से दूर हटकर झुककर प्रणाम कर रहे हैं, एक रावण था जिसकी सुंदरतम स्त्री उसकी पत्नी थी, उसके बावजूद भी दूसरों के ऊपर कुदृष्ट रखी, ये उसी का पर स्त्री हरण किया। तो ये देखिए भगवान राम ने कैसे कैसे मर्यादा का ध्यान रखा युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया, बहुत मार्मिक प्रसंग है, लक्ष्मण से जब कहा कि जाके ज्ञान सीख के। और दूसरा एक और प्रसंग है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता लंका से अयोध्या आ रहे होते हैं और अयोध्या में उनके स्वागत की भव्य तैयारियां होती है, लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, जैसा आज दिवाली का माहौल दिख रहा है वैसा ही उस दिन भी दिवाली का माहौल था। और लेकिन तब जो है राम, लक्ष्मण और सीता तीनों के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, तो पूछा जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो बोला आज जटायु की याद आ रही है, शबरी, माता शबरी की याद आ रही है, जिन्होंने हमारा वन में ध्यान रखा, तो वो चाहे हम उन्हें भगवान माने लेकिन वो स्वयं को एक आदर्श पुरुष के तौर पर ही हमेशा पेश करते रहे, और जो दुख में सुख में साथ रहे उन्हें उन्होंने हमेशा याद रखा। और आप ये देखिए, राज्याभिषेक के समय सबको बुलाया जाता है, सारे देवताओं को निमंत्रण जाता है, भगवान राम अपने हाथ से सिर्फ दो निमंत्रण पत्र लिखते हैं, एक शबरी को, एक केवट को, निषाद राज को। भगवान राम के हाथ से लिखे गए ये दो निमंत्रण पत्र थे, बाकी सबको निमंत्रण पत्र राजा के यहाँ से गया। भगवान राम कहने का मतलब ये है, जो गांधी जी कहते थे, हमेशा पंक्ति के अंत में, छोर के अंत में खड़े व्यक्ति का ध्यान रखिएगा। तो यानी उस राज मुकुट लेते समय भी सबको याद रहेगा सब कुछ,
लेकिन भगवान राम के हाथों से दो निमंत्रण पत्र लिखे गए, और ध्यान दीजिए आज के भी परिप्रेक्ष्य में शबरी के लिए और निषाद राज। नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो आप जब जाएंगे दिल्ली से हवाई जहाज लेकर तो अयोध्या में उतरेंगे, तो जो हवाई अड्डा बनाया गया है उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी। और फिर आप जब राम मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको शबरी माता का, जटायु का, केवट राज का, सबको आपकी स्मृति दिलाई जाएगी। इनकी सबकी स्मृति, मतलब ये समझिए कि इस देश का ये बहुत बड़ा भाग्य है। और आज भी जब ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है तो देश भर से तमाम तरह के लोग इसमें बुलाए गए हैं। इसमें जो डोम राजा हैं काशी से, वो भी इसमें आए हैं। इसके साथ साथ आदिवासी समाज के भी कई लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। देश के सभी वर्गों के लोगों को बुलाया गया है। मैं समझता हूँ वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया गया। और मेरा दृढ़ विचार है